हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो आज आए हैं हम लोग घूमने के लिए, क्योंकि कहीं भी घूम नहीं पाए थे काफ़ी दिनों से। घर में बहुत सारे मेहमान थे, मेरी भाभी लोग गांव से आए थी, तो वो लोग जाने वाली हैं कल, तो कहीं जा नहीं पाए घूमने के लिए। तो मैं आज मेरे लोग को मॉल में लेके आई हूँ घुमाने, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उन लोग का माइंड ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। और काफ़ी दिन से बारिश की वजह से घर के अंदर ही थे सब जन, तो सब लोग को बोरिंग लग रहा था एकदम। तो अभी भी तो काफ़ी ज़ोरों वाली बारिश हो रही है, पर हम लोग गाड़ी से ला के हम लोग को छोड़ दिए थे, छोड़ के वो बाहर से चले गए हैं। और कोई भी साथ में नहीं था, बस हम लेडीज़ लोग ही थी, मैं थी, मेरी दोनों भाभी लोग थी, और मेरी भाभी के 3 बच्चे हैं, और मेरे दो पर इतना परेशान किए हम लोग को कि क्या ही बताओ। आते साथ इन लोग गाड़ी पे बैठने की जिद करने लगे, और मेरे दोनों बेटे लोग तो पहले ही बाइक पे जाके बैठ गए कूद के कि मम्मी हम लोग को यहीं पे बैठना है। और वो आदमी बार बार पूछ रहा है कि अपनी मम्मी से पहले पूछो, मम्मी से पहले पूछो। मैं बोलिए बैठ गया तो उसको फिर राउंड लगा ही दो, एक दो जो भी लगा, एक राउंड का 100 रुपये लेते हैं यहाँ पे। और मेरे घर में मतलब कार रखी हुई है, हम लोग लेकर आए थे इसके बर्थडे पे, पर वो किसी काम का नहीं है, वो फेंका हुआ है ऐसी कूड़े कबाड़ के जैसा। उसको उस पर इन लोगों को बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो घर में है इस वजह से। और देखिए मॉल में जाने के बाद कितनी डिमांड बढ़ जाती है गाड़ी की। तो सब बच्चे जिस अपनी अपनी चॉइस कर रहे हैं, जिसको जो पसंद है, सबका एक एक दो दो राउंड हो चुका है। और ये ग्रीन ड्रेस वाली मेरी भतीजी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में बोलती है कि बुआ मैं ट्रेन में बैठूंगी। तो मैंने उसको ट्रेन में बिठा दी, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है वो, और बाइक पे बैठेगी तो गिर जाएगी, इस वजह से मैंने उसको ट्रेन में बैठा दी। और कैसे भी पीछा छुड़ा के इन लोग को मैं फिर 2nd फ्लोर पर लेके आई हूँ, ऊपर 3rd फ्लोर पर। यहाँ पर फिर मैंने कार्ड भी लाना भूल गई थी, कार्ड मेरे पास नहीं था, तो क्योंकि इन लोग किसी के भी साथ आते रहते हैं घर में, जो भी लड़के लोग हैं सबके साथ में, तो कार्ड मैं लेना ही भूल गई कि किसके पास है। तो फिर से मैंने नया कार्ड बनाई, तो पता नहीं कैसा कैसा ऑफर चलते रहते हैं, तो मुझे 1100 में पूरे 1100 मिल रहे थे, तो मैंने 1100 का कार्ड ले ली हूँ। और ये बच्चे लोग, किसी को ये देखना है, किसी को ये खेलना है, किसी को वो खेलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितने बच्चे हैं पाँचों की अलग अलग डिमांड है, तो एक साथ पूरी नहीं कर सकते। तो एक तरफ स्वाइप करके फिर दूसरी तरफ जा रही हूँ मैं, फिर वहाँ पे स्वाइप करके फिर तीसरी तरफ जा रही हूँ। तो बच्चे लोग के आगे पीछे हम लोग घूम ही रहे हैं, हम लोग का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के लायक कोई चीज़ ही नहीं है कि हम लोग खेलें। पर फिर भी मैंने अपने भाभी लोग से बोली, तुम लोग को अगर कुछ खेलना है, कोई गेम वगैरह आता हो तो अपना खेलो जाके। तो हम लोग नहीं खेले, तो हम लोग रोज़ा भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, हम लोग ने बाहर ही इफ्तारी कर लिए थे, खाना भी बाहर से ही आ गया था, तो हम लोग खाना पीना बनाना नहीं पड़ा था, तो ज़्यादा लेट हो गया था, हम लोग सो गए थे। उसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाई थी, और काफ़ी तेज़ वाली बारिश भी थी, बच्चे भी संभालना था साथ साथ में, तो रास्ते में नहीं जमता है वीडियो बनाना। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे, और ये सुबह का टाइम है, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो इस साइड पास्ता बन रहा है सबके लिए, बच्चे भी पास्ता शौक से खाते हैं, तो पास्ता बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये करेला काट के रखा हुआ है मेरे अब्बू के लिए, क्योंकि उनको रोटी खाना है, तो रोटी के साथ वो करेला खाएंगे, उनको डायबिटीज़ है, तो करेले की सब्ज़ी ही उनको देते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो ये मेरी भतीजी है हीना, वो आटा सान रही है, तो ये फटाक से वो रोटी सब्जी बन जाएगा, फिर उनको देंगे। और ये देखिए सारा बिस्तर ऐसे ही पसारा पसरा हुआ है, और इतनी ज़ोर वाली सुबह बारिश आ रही थी, इतनी ज़ोर वाली कि ऐसा लग रहा था कि बस बादल ही फट जाने वाला है, पर थम गई है बारिश, और थोड़ा थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है, पर ज़ोर वाली बारिश एकदम। और जब ज़ोर की बारिश आती है मुझे बड़ा ही डर लगता है, जब बिजली कड़कती है तो। देखिए मतलब रोड पे पानी जमा हो जाता है, पर हमारे यहाँ उतना पानी नहीं आता, क्योंकि हम लोग का पता नहीं स्टेशन के पास है हम लोग, शायद इस वजह से। तो देखिए अभी मैं घड़ी दिखा रही हूँ, घड़ी में 9:15 बज रहा है, पर वो घड़ी पीछे है थोड़ी, क्योंकि उसका सेल डाउन हो गया है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली भाभी बना रही हैं पास्ते के लिए, प्याज वगैरह जो भी है सब भून लून रही हैं, और ये एक साइड करेली की सब्जी बन रही है, एक ही चम्मच से दोनों काम होते जा रहा है। और मेरी बड़ी वाली भाभी थोड़ा तेज़ी काम करती है, फटाफट, देखने में एकदम दुबली पतली सी है, पर काम बहुत फास्ट करती हैं, क्योंकि उनको बच्चे भी देखना रहता है, फिर काम भी करना रहता है, तो उनको आदत सी लग गई है। और दोनों साइड उनका काम चालू है, और इधर मैं हम लोग भी अपना जो भी ब्रश वगैरह करना है हम लोग कर रहे हैं। और ये पास्ता उबाल के मैंने रख दी थी, और बना रही है मेरी भाभी, थोड़ा थोड़ा मैं भी हाथ बटा दे रही हूँ। और मिर्ची ज़्यादा डाल दी हूँ मैं, पर मिर्ची तीखी नहीं है,
और ये मैं रिक्वेस्ट का पत्ता लेकर के आई थी कल दोपहर में ही, तो रात को पता नहीं मेरी भाभी शाम को ही बना दी थी, बेसन वेसन था तो रात में ही बना के रख दी थी, तो ये अभी कटिंग करके रखी है, अभी सुबह तल देंगे तो सुबह चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा ये सबके लिए। तो क्योंकि किसी किसी को पास्ता नहीं पसंद है, जो लड़के लोग हैं उन लोग को, मेरे भाई नहीं खाते पास्ता, मेरे हस्बैंड नहीं खाते पास्ता, तो उनके लिए ये चाय पकौड़ा हो जाएगा। फिर हमारे रिलेटिव में एक जन मतलब बीमार है, उनका बेटा तो उनके पेट में पथरी है शायद, तो उनको हम लोग देखने गए थे, तो यहाँ पे देखिए मेट्रो ट्रेन चल रही थी, तो उसका मैंने थोड़ा सा शूट कर ली थी, क्योंकि ये मैंने देखी नहीं थी कभी, मैं जब भी जाती तो ट्रेन खड़ी रहती लेकिन चलते कभी नहीं देखी थी, पर आज मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ट्रेन अब चलेगी, अब चलेगी। जैसे ही मोबाइल में इधर करती हूँ वैसे ही फिर ट्रेन चालू हो जाती है, फिर बाद में मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। पर इसमें मतलब सिर्फ दो ही या चार आदमी बैठे हुए हैं, पता नहीं चेक कर रहे हैं कि क्या। तो यह है मेट्रो ट्रेन, मैंने पनवेल में देखी हूँ पहली बार, पहले तो मतलब देख चुकी हूँ मैं साकिना का कुर्ला में, पर यह मैं पनवेल की मेट्रो ट्रेन मैंने पहली बार देखी है 6-7 साल में। ये मेरे हस्बैंड मस्ती कर रहे हैं और ये हो गया नेक्स्ट डे, हम लोग गए अपनी गाड़ी लेने के लिए, आज हमारी न्यू कार आने वाली है, तो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि बारिश भी थोड़ी मोड़ी आ जा रही थी, इस वजह से हम लोग गाड़ी में ही बैठे हैं। और दोनों बच्चे लोग को मैं लेके नहीं आई क्योंकि दोनों स्कूल चले गए थे, तो उन लोग का वेट नहीं कर पाते हम लोग क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता, तो हम ही लोग चले आए हैं। और ये एकदम देखिए रोड पे गाड़ी खड़ी है, ये लोग अंदर गए हैं, जो भी कागज़ वगैरह बनाना होता है, साइन वाइन करना होता है, वो सब गए करने के लिए, तो अभी हम लोग भी जाएंगे थोड़ी देर के बाद अंदर, जब उनका फ़ोन आ जाएगा बुलाएंगे तब। और ये है जो बोलते हैं कार की एजेंसी, वो है ये, पता नहीं एजेंसी बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ कार लेने आए हम लोग वही है ये। तो ये हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, और फिर हम लोग गए थे अंदर, तो हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो चाय कॉफ़ी पूछे गई हैं, तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, वैसे पीती नहीं मैं, पर फ्री में मिल रहा था इसलिए कॉफ़ी पीने लगे हम लोग और बड़ा ही अच्छा रूम था, एकदम मस्त एसी वेसी लगा हुआ था, मस्त अच्छे से सोफे पे बैठो। थोड़ा देर बैठे थे हम लोग, उसके बाद बाहर से बुलावा आया, फिर हम लोग चले आए थे अपनी गाड़ी को देखने के लिए, और जो भी यहाँ पे था सब चीज़ हो चुका था, अब जो गाड़ी की चाबी वगैरह होती है वो मिल जाएगी हम लोग यहाँ पे। हम लोग का एक बहुत बड़ा पोपट हो गया था, वो जो उड़ाने वाला लेकर के आते हैं, जो जो ऐसा फोड़ते हैं, वो जैसे ही फोड़ने की कोशिश करने लगे वो एकदम मतलब भीग चुका था, तो फूट ही नहीं रहा था, इसी में 2-3 बार टैंटा फिश हो गया हम लोग का। तो फिर ऐसे ही उन्होंने दूसरा उसको फेंक दिए, फिर ऐसे ही जो कपड़ा हटाते हैं वो हटा लिए थे, वो मैं नहीं दिखा पाई इसके अंदर क्योंकि वो क्लिप मेरे पास नहीं थी, बाकी दूसरे लोग के मोबाइल में था क्योंकि मेरा मोबाइल कोई पकड़ने वाला नहीं था इस वजह से। तो यहाँ के जो मैनेजर लोग हैं वो सब मतलब बता रहे हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये मैं थोड़ा सा यहाँ का दिखा रही हूँ, और अभी जा रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं मेरे हस्बैंड, उनको चलाने जा रहे हैं। हमारे पास एक कार और है पर वो हम लोगों ने सेकेंड लिए थे, पर इसको हम लोग न्यू लिए हैं, और ये है क्रेटा, क्रेटा ही हम लोग को लेना था, ये कार लेने जा रहे थे थार, पर मुझे थार बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं कैसे सबको बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो एकदम पुराने मॉडल की जीप की जैसी लगती है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दी, मैंने बोली ये क्या कहते हैं क्रेटा लेना हो तो लो, या तो किया में से क्रेटा या किया से दो में से एक ले लो, तो इनको क्रेटा ही पसंद आया। तो बहुत जल्दी हम लोग का लोन वगैरह पास हो गया था, हम लोग की 8 दिन भी नहीं लगा था, 2-4 दिन में ही हम लोग की गाड़ी हमारे घर पर आ गई थी। तो ये मेरे भाई लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं कंपनी के, सब रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि वो लोग ने थोड़ा सा ही पता नहीं कितना थोड़ा ही मतलब पेट्रोल भर के दिए थे, डीजल डीजल गाड़ी सॉरी डीजल डाल के दिए थे, तो हम लोग आए यहाँ पे डीजल भराने के लिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे दरगाह, मतलब यहाँ पे 2 दरगाह है, पहले वहाँ जाएंगे बड़ी दरगाह पे, फिर वहाँ से सलामी करने के बाद फिर हम लोग हमारे घर के पास जो दरगाह है वहाँ जाएंगे, फातिहा कराएंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और 2 बज गए हैं लगभग, और बहुत ज़ोर से भूख भी लगी क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं की थी कुछ भी नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह, वहाँ से जाएंगे घर पे, और आप लोग को मेरी गाड़ी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तो देखिए गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी मस्ती भी चल रही है और शोर शराबा भी हो रहा है पीछे से। सब लोग पूछ रहे हैं कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है, फीलिंग कहाँ से आई, पहली बार थोड़ी गाड़ी में बैठ रहे हैं। हमारे पास एक और कार पहले से ही है, ये तो हमारी सेकेंड कार है, दूसरी वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।